यहाँ हर रात सांप बनकर चौसर खेलते हैं शिव पार्वती, नजारा देखने वाला 14 घंटे में बन जाता है लखपति। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। नर्मदा किनारे ओंकार पर्वत पर बना ओंकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ममलेश्वर नाम से प्रसिद्ध चौथे नंबर के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी डंकेश्वर दीक्षित के अनुसार मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती रोज रात में यहां आते हैं और चौसर पान से खेलते हैं। शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पान से की बिसात सजाई जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। वे बताते हैं कि रात में गर्भगृह में परिंदा भी पर नहीं माच सकता, लेकिन कई बार वहां पान से उल्टे मिलते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहां रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। पंडित डंकेश्वर दीक्षित के अनुसार इसकी शुरुआत रात 8:30 बजे रुद्राभिषेक से होती है। अभिषेक के बाद पुजारी पट बंद कर शयन आरती करते हैं, फिर पट खोले जाते हैं और चौसर पान से सजाकर फिर से पट बंद कर देते हैं। हर साल शिवरात्रि को भगवान के लिए नए चौसर पान से लाए जाते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए आदिकाल से 16 सोमवार की परंपरा चली आ रही है। 16 सोमवार की व्रत कथा में भी शिव और पार्वती के चौसर खेलने का उल्लेख मिलता है।